कितने एंकर को समझ है खबर की, यह साफ आपको दिख जाता है चैनल पे जब ये शो पे आते हैं, जहां इनको लगता है कि ये पकड़े जाएंगे, ये एक तरह से कहा जाए तो ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स का भी यूज कर लेते हैं, ये क्या कह जाते हैं अपने गेस्ट्स को, मतलब ये थोड़ी सी इज्जत इन्होंने बचा रखी है कि हाथ पैर नहीं चला रहे हैं। नहीं वो चल चुके हैं, नहीं इन्हीं तरह मतलब वो आपस में चल चुके हैं गेस्ट के, क्योंकि इनको मजा आता है ना। देखिए पीसीआर के पास एक बहुत बड़ा अस्त्र जिसको कहते हैं फेड आउट एंड फेड आउट, फेड इन एंड फेड आउट। अगर किसी गेस्ट ने कुछ ऐसी बातें कर दी तो आप फेड आउट कर देते हैं उसको, उसकी आवाज नहीं जा रही है, एक्शन से बहुत कुछ पता नहीं चलता है। आज की तारीख में फेडर का इस्तेमाल वहीं किया जाता है जहां एंकर को लगे कि वो किसी पार्टी के खिलाफ तब तक जा रहा है जब तक कि एंकर की बात के साथ वो सहमत नहीं है। जी जी फेडर फेडर का तो इस्तेमाल ही नहीं रहेगा, और वो जमकर दो मिनट ऐसी बात कर देगा और गेस्ट को लड़वा देगा, गेस्ट आपस में हाथ अपाई कर रहे हैं और चैनल की टीआरपी, सारा खेल टीआरपी का है। और एंकर टीआरपी से फेस लेते हैं और एंकर का ही फेस टीआरपी के दौरान चैनल प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। और आज की तारीख में जिस दिन एंकर को ये हम एज अ व्यूअर समझा दें कि यू आर नथिंग मोर देन अ होस्ट, यू आर नथिंग मोर देन अ होस्ट, दूरदर्शन के एंकर आज भी याद किए जाते हैं ना, आज के किसी एंकर को आप याद नहीं करेंगे। जी राजी कुछ कह रहे थे, सॉरी मैं विनीता ये कह रहा था, देश के एक बड़े चैनल के एडिटर या चीफ, उनके साथ मैं डिबेट में था, वो जो अभी वर्मा जी कह रहे हैं उसी टाइप की कोई अनर्गल बात कर रहे थे जो मुझे लग रहा था कि ये उनको नहीं करना चाहिए, उनके पद पर बैठा ये उचित नहीं है। तो बस मैंने यो पूछ लिया कि जरा ये बताइए आप, क्या आपने भारत देश के खिलाफ कोई सुपारी दे रखी है क्या? तो चूंकि लाइव था तो वो चल गया और उसको रोक नहीं सकते थे, वहीं से सुपारी मीडिया शब्द चल गया मैं वहां से, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, फिर उन्होंने मुझे दोबारा बुलाने की कोशिश नहीं की कभी। चैनल हेड के तौर पे अब ऑपरेट करने लगे हैं ये लोग, नाम कमा लिया चैनल खोल दिया। जी और विनोद जी नहीं, मैं दो तीन चीज छोटी छोटी बातें कहना चाह रहा था विनीता जी, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई, मेरा नाम भी वो किया गया, इसलिए मुझे लगता है कुछ चीजें करने चाहिए। देखिए हम ये कह रहे हैं कि 23.5 घंटे की बात हो रही है, 23.5 घंटे हैं और 23.5 घंटे में किसी विशेष राजनीतिक की के बारे में ढोल पीटा जा रहा है, तो भाई ये उस चैनल की गलती है ना, आप अपनी गलती के लिए सरकार को कैसे दोषी ठहरा रहे हैं? चैनल की गलती है, चैनल इसलिए गलती कर रहा है कि उसको टीआरपी चाहिए। जो अजय जी कह रहे थे एंकर की बात कि एंकर एक इंस्टीट्यूशन बन गया है, वो इंस्टीट्यूशन टीआरपी के कारण है, तो आप अपनी गलती 23.5 घंटे में क्या दिखाना है, सरकार की आलोचना करनी है कि सरकार का बखान करना है, ये आपका डिसीजन है। जी जी मैं बात जी हाँ कह लीजिए आप कर फिर मुझे थोड़ा और दीजिएगा एक दो चीज। मेरा आपसे एक सवाल है इसमें, हाँ मेरा आपसे इसमें एक सवाल है कि जो 23.5 घंटे हैं बाकी, ठीक है आधे घंटे सरकार ने ले लिया, नो प्रॉब्लम, 24 घंटे में आधे घंटा इज नॉट अ बिग इशू, वो कोई दिक्कत नहीं, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं सब जानते हैं, लेकिन जो बाकी के 23.5 घंटे हैं क्या उसमें कहीं भी ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली कोई दबाव नहीं है? ये तो ऑफिशियल आधा घंटा मांगा है उन्होंने भाई, वही तो विनीता जी, विनीता जी, विनीता जी, विनीता जी चला रहे हैं। नहीं नहीं विनीता जी वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर दबाव में आ रहे हैं, ये बताइए अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ या मुझ पर कोई दबाव डाल रहा है तो ये मेरी गलती है या बोलूँ कि नहीं ये विनीता जी की गलती है? मेरी गलती है ना, अगर मैं दबाव में आ रहा हूँ, कोई चैनल अगर दबाव में आ रहा है और सरकार के पक्ष में खबर दिखा रहा है तो चैनल की गलती है। अब चैनल पैसे के लिए गलती कर रहा है या उसका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है या और कोई चीज़ है, उसका मैं नेशनल इंटीग्रेशन नेशनलिज्म उस पर नहीं जा रहा हूँ। एक दो चीज बल जल्दी से कह लूँ उसके बाद अजय जी बात करिएगा। जी बात ये हुई कि अगर कोई आदमी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा है तो लेखक पत्रकार नहीं है,
एक फ्रेज इस्तेमाल होता है रेबल विदाउट कॉज और रेबल विदाउट पॉज, ये मेरे हिसाब से बहुत आइडियल स्थिति नहीं है। अब मैं चूंकि राय साहब ने भी मेरा नाम लिया तो मैं उन्हें के उस पर जाऊं। राय साहब ने अपना एक्सपीरियंस बोफोर्स के बारे में बताया, उस समय मेरी उम्र 18 साल के आस 14-15 साल के आसपास थी और मेरे ही शहर से वीपी सिंह चुनाव लड़ रहे थे, मैं उनके साथ साथ मेरे गली के सामने से गुजर रहे थे, मैं साथ घूम रहा था। और तब आप मुझे लगता है कि ज़्यादा वो उसमें रहे होंगे, आप वोटर रहे होंगे, मैं वोटर भी नहीं था। आप कह रहे हैं कि वो मैं मेरा जजमेंट एरर ऑफ जजमेंट था, वीपी सिंह असफल साबित हुए, हालांकि मुझे इस पर असहमति है लेकिन उस पर मैं नहीं जाता हूँ। दूसरा एरर ऑफ जजमेंट आपने किया, आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार बहुत अच्छी थी और आप उनकी आलोचना करते रहे और उस सरकार को हटा दिए, और अब आप बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं कि सरकार खराब है। आप लगातार एरर कर रहे हैं अपने जजमेंट में, आप पर क्यों भरोसा करूं मैं? आप गलतियों की खान हैं, आप लगातार गलतियां कर रहे हैं, आप पर क्यों भरोसा करें? आप कहीं तो सही साबित होइए। इसलिए सर ये इस तरह की बातें ठीक नहीं है, जहां सही है उसको सही कहना सीखिए, यही सही होता है और यही हमारी वो है। क्या विनोद जी, सरकार में सही कहने की परिभाषा इतनी आसान है? हम किसी को सही कैसे कह पाएंगे? एक चैनल जो 24 घंटे चल रहा है उसमें इतने सारे बुलेटिन आते हैं, इतने शोज आते हैं, ठीक है, मुझे कोई मुझे शो अच्छा भी हो सकता है, कोई शो मुझे भी मुझे 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 विनीता जी मुझे मुझे विनीता जी मुझे विनीता जी एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। एक जो मैंने बोला रेबल विदाउट कॉज रेबल विदाउट पॉज, मुझे आप बता दीजिए, आप अपने उससे ऑनेस्टली मतलब विदाउट एनी बायस विदाउट एनी प्रिजुडिस, 8 साल में कोई भी सरकार, किसी सरकार का नाम मत लीजिए, कोई भी सरकार, मैं किसी सरकार की बात नहीं, केंद्र सरकार राज्य सरकार, कोई भी सरकार अपने किसी टेन्योर में एक भी ऐसा काम नहीं करती है जिसको अप्रिशिएट किया जा सके, वो सारे काम नहीं, बिल्कुल करती है, क्यों नहीं करती है? एग्जैक्टली यही तो आप अगर ये कहेंगे कि नहीं, अगर ये कहेंगे कि हमको सिर्फ सरकार की आलोचना ही करनी है, हमको सिर्फ सरकार की आलोचना ही करनी है और आलोचना करने के लिए आलोचना करना है, ये फैलेसियस है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।